अब बात करेंगे मुंबई सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर की, जहां की सेक्रेड हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका प्रशासन की तुलना तालिबान से कर दी है। आपको बता दें कि सड़कों पर फैले कचरा, धूल और मिट्टी से परेशान होकर सेक्रेड हाई स्कूल के प्रशासन ने स्वच्छता मुहिम चलाया। इस दौरान स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया और सड़कों पर झाड़ू चलाया। इसके बाद स्कूल के सीईओ एल्विन एंथोनी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त राजेश सावंत से मुलाकात की और नागरिकों को होने वाली असुविधाओं का जवाब मांगा। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल एनबेली एंथोनी ने कहा कि शहर की बदहाली के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जिम्मेदार है। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़कों पर धूल मिट्टी पसरी है जो एक तरह का प्रदूषण है और यह प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मनपा के सफाई कर्मचारी सड़कों पर साफ सफाई करने के बाद जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसे वहीं पर जला देते हैं, जो एक तरह से प्रदूषण ही है। सेक्रेड हाई स्कूल के सीईओ एल्विन एंथोनी ने कल्याण डोंबिवली महानगर निगम की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से अस्वच्छता और गड्ढों को लेकर महानगर पालिका से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के पास बात करने का भी समय नहीं है। महापालिका प्रशासन शहरवासियों के साथ तालिबानी जैसा व्यवहार कर रहा है। तो बर पाचला विषय घेतला होता कल्याण मध्ये धूल आहे आणि 2022 ऑक्टोबर मध्ये इंडिया टुडेचे सर्वे मध्ये खडकपाडा हा आशिया मध्ये वर्स्ट पोल्युटेड 10 शहरांपासून आहे, म्हणजे ढाका, पाकिस्तान, कराची, ये सब हमसे अच्छा है, रंगून हमसे अच्छा है। और उसका हम परिणाम देखते हैं कि रोज लोगों को बायोप्सी करना पड़ता है, लोगों को अस्थमेटिक अटैक होता है, निमोनिया। आज उसके बारे में आज तक केडीएमसी ने कभी भी हमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। सिटी इंजीनियर आयरे के पास मेरा नंबर है, जगदीश कोरे के पास मेरा नंबर है, उल्टा उन लोग ने, जगदीश कोरे ने लिखित दिया मेरे को कि आप लोग वरब के स्कूल है तो आपको बात करने का हक नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान का रोल है, तालिबान का रोल है, ये केडीएमसी कर रहा है कि हिंदुस्तानियों को अलग कर रहा है। सेकेंड, आज हम आए तो एडिशनल कमिश्नर सावन जी से मिले, एक घंटा बात किया, एक ही बात समझ में आया, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है हर चीज को टालने का। और कमिश्नर के पास अभी 31 तारीख के पहले डेट नहीं है। हमारा एकदम सिंपल रोल है, 5 डिमांड्स है, जैसे कल्याण को धूल रहित करना, और अभी एक और स्कैंडल है, ये धूल इतना जमा इन लोगों ने क्यों किया, अभी अभी मालूम पड़ा, ये धूल निकालने के लिए 16 करोड़ का टेंडर निकाला है। तो ये धूल लोगों के फेफड़े में इसलिए था कि 16 करोड़ कमा सके इनके ठेकेदार, पर हम छोड़ेंगे नहीं, कल्याण को स्वच्छ रखे। और एक और सवाल है कि नवे कल्याण में मोदी साहब, हमारे प्रिय मोदी साहब ने स्वच्छ भारत महान और स्मार्ट सिटी जो बोला, एक भी टॉयलेट नवी कल्याण में, हाँ, स्कूल का एक प्रोटेक्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका जो बोलना है कि कल्याण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो भी रोड है वहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, तो उसके बारे में उनको बताया गया है कि अभी बारिश थी, बारिश में गड्ढे तो थे, तो हम लोग अभी बारिश खत्म हो गई है, साइड बाई साइड हर एक रोड हम लोग उसको अभी डामर का बना रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और स्पेसिफिक एक रोड जो उनका बोलना था, उनको भी बताया गया कि ये रोड जो है वो MMRDA की सहायता से हम लोग कॉन्क्रीट का रोड बना रहे, विद इन 2 महीने के अंदर उनकी जो प्रोसीजर है टेंडर प्रोसीजर वो पूरी हो जाएगी। देन क्लीनलीनेस के पास भी उनका एक आक्षेप था, वो भी उनको बताया गया, उन्होंने बोलना था कि जो मशीनरी ली गई है वो मशीनरी से नहीं हो रहा है, तो बोले अभी वो चालू किया है हमने, साइड बाय साइड आपको बदलाव आपको